लेकिन साबित मलिक साहब, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि समाधान ऐसे निकलेगा, तमाम अवरोधकों को तोड़ते हुए जेसीबी मशीन्स के साथ, दूसरी पोकलेन मशीनों के साथ, क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? समाधान बातचीत से ही निकलना है और सरकार तो अब भी कह रही है फिर बातचीत करते हैं। पूजा राठौर जी, बातचीत तो लगातार चल रही है और बातचीत 13 महीने चली, फिर 26 महीने का इंतजार हुआ, अभी 4 दौर की बातचीत चली। सरकार का मन ही नहीं है, सरकार चाहती नहीं किसानों का हम कुछ दे, वो तो उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। किसान के लिए तो उनके पास लाठी डंडे गोली आंसू गैस यही सब है। अभी अमित पांडे जी ने जैसे आपको बताया, किसान इनसे तो बिल्कुल नियत्ता है, वो अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली उसकी राजधानी है, उसने वोट देके अपने सांसद वहां भेजे हैं। अगर उसको दिल्ली जाने में रोक रही है तो क्या दिक्कत है इनको? अगर बीजेपी के लोग या दूसरी पार्टी के लोग गांव में जाते हैं वोट मांगने जाएंगे 3 महीने बाद, हम इनको ना घुसने दें तो कैसा लगेगा इनको? अगर वहां किसान इनको गोबर मारे जाके तो इनको कैसा लगेगा? ये आंसू गैस हम पे मार रहे हैं, ये लोकतंत्र है कि तानाशाही है? राम राज में भी जब राम जी लंका जा रहे थे, रावण ने भी कांटे नहीं बिछाए थे, कीले नहीं बिछाई थी। पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ युद्ध होता है, वहां भी कील और कांटे नहीं लगाए जाते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, किसानों को कुचलने का प्रयास है और एक कौम को बदनाम करने का प्रयास है। उसी का हिस्सा आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर भी क्या हुआ है, एक जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है उनको लोग कैसे एक धर्म के नाम पर परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो अभी भी साबित मलिक साहब, अभी भी हमें क्या मिल रहा है? हमने अपने दो किसानों को खो दिया, दो जवानों को खो दिया। समाधान आप बताइए, समाधान क्या है इसका? 750 किसान पिछली बार गए थे और अभी तो देखना, जैसे सरकार का तानाशाही रवैया है, किसान दिल्ली जाने से रुकेगा नहीं और ये लोग कुचलने का काम करेंगे, गोली चलाने का काम करेंगे। अभी पंडे जी ने कहा कि खून की होली खेलने का काम सरकार करेगी, किसान मर जाएगा, वो घुट घुट का मरने से, आत्महत्या करने से अच्छा है कि एक बार उनके कुछ लोग शहीद हो जाएंगे लेकिन अपना अधिकार मिल जाएगा। अपनी सरकारी फॉर्मूला क्यों आपको मंजूर नहीं है? उसमें आपको क्या दिक्कत? जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी जो एक प्रस्ताव दिया गया, इसमें कहां दिक्कत? पूजा जी, ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है, जो एक 3 काले कानून लेके आए थे और उसमें कहा था कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, वही काम ये करने का काम कर रहे हैं कि 5 फसलों पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो भी उन पे करेंगे जो अभी धान और गेहूं बो रहा है। अगर वो उसको छोड़कर ये फसलें बोएगा तो उसको देंगे, जो पहले से बो रहा है उसको नहीं देंगे। ये राजनीतिक सरकार की जो चीजें होती है तमाम दाव पैंच वाली होती है, कुछ भी बात करने को सरकार तैयार नहीं है, कोई सोल्यूशन देने को तैयार नहीं है, जितनी मांगे उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप 15 लाख करोड़ किसान का, मतलब उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, 5 लाख करोड़ किसान का माफ नहीं कर सकते हैं। जो मुद्दे हैं सरकार उन पर बात ही नहीं करना चाहती, टाइम पास करना चाहती है कि किसान को उलझाकर आचार संहिता लग जाए, तुम्हारी जान बच जाए, कोई हम नहीं चीज नहीं मांग रहे। बहुत बारीकी से आप इन मुद्दों पर आप नजर रखते भी हैं। मैं समझना चाहूंगी आपसे,